जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं चौपाल इंडिया। आज की बड़ी खबर की तरफ देखते हैं। खबर समन्वय समिति के बाद बैठक से जुड़ा हुआ है। आरके महाजन द्वारा एक पत्र लिख करके बृजनंदन शर्मा जी को अपील किया गया था कि मानव श्रृंखला विगत 19 जनवरी को जो होने वाला है उसमें सहयोग की बात कही गई थी, लेकिन आज उसी सिलसिले में एक आपात बैठक संघर्ष समन्वय समिति की रखी गई थी। इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले हम बता दें साथियों कि अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हुए हैं तो ये लाइक बटन दबाकर लाइक कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल की ये घंटा के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आइए देखते हैं हमारे प्रतिनिधि संतोष शर्मा जी के द्वारा भेजा हुआ रिपोर्ट। बिहार सरकार के प्रधान सचिव महोदय के पत्र के आलोक में आज बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की बैठक आहूत हुई थी। उस बैठक में सब सम्मति से क्या निर्णय लिया गया है? सर, कि हमारा अल्टीमेटम पूर्व का दिया हुआ है, बहुत पहले का दिया हुआ है कि 15 तारीख के पूर्व अगर कोई सरकार डिसीजन देती है तो उस पर हम लोग विचार करेंगे, परंतु कोई अभी तक ऐसा नहीं हो करके 22 को एक डेट रखा गया है। तो उसका सर्वसम्मत से लोगों ने बहिष्कार किया, ये इसको मानने योग्य नहीं है। सरकार 15 या 15 के पूर्व मांगे वार्ता हो, उसमें कौन कौन से मांगे आती हैं, सरकार देती है, कितनी देती है, उस पर हम 16 को विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर, आप बतलाइए कि अभी जो बैठक हुई उसमें 19 तारीख का जो मानव श्रृंखला होने जा रही है सरकार के तरफ से करने का आयोजन है, उसमें संघर्ष समन्वय समिति के तरफ से ये डिसीजन हो गया कि 15 तक यदि नहीं होगी तो बहिष्कार करेंगे, और उस स्थिति में आपका इस विषय में क्या कहना है? जब शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 15 जनवरी तक हमारी मांगों पे सकारात्मक बात नहीं होती है, सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, तो 15 तारीख को बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी मानव श्रृंखला के में बिहार के तमाम तरह के शिक्षक उसमें शरीक नहीं होंगे, इस मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे। इससे घबरा करके बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरके महाजन साहब ने फ़ोन के द्वारा हमारे संयोजक महोदय जी से संपर्क किया और इनको एक पत्र दिया कि आप सहयोग करें, मानव श्रृंखला में बिहार के शिक्षकों से अपील करें। इस तरह का एक आग्रह का पत्र उन्होंने दिया और इनसे पूछा भी और राय भी दिया कि अगर 22 तारीख को वार्ता होगी, जो भी आपकी मांग है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। आज बैठक में ये तय हो गया कि हमें इस तरह के झूठे दिलासों पर अब भरोसा नहीं है, सरकार अपनी कथनी और करनी में कायम नहीं रह सकती है, इसलिए हम लोगों को वार्ता करनी है सरकार से, तो 15 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है उसके पूर्व सारे लोगों को बुला करके बात करें, उसके बाद ही हम लोग सरकार के इस महत्वाकांक्षी मानव श्रृंखला में शरीक होंगे, भाग लेंगे। है कि 22 तारीख को बुलाया गया है वार्ता के लिए, आपके समझ से इसमें क्या वजह हो सकती है? ये सरकार की एक धोखा देने की जो पॉलिसी रही है उसी पॉलिसी के तहत ही कहा जा सकता है। जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट में हम लोगों का जब केस चल रहा था तो सदन में जब माननीय सदस्यों द्वारा सवाल उठाया जा रहा था, हम लोग अनशन पे थे, हड़ताल पे थे, उस समय माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो कोर्ट का जजमेंट होगा उसको हम लागू करेंगे। हम लोग पटना हाईकोर्ट से केस जीत गए समान कार्य समान वेतन का। सरकार ने अपने सदन में दी हुई बात को, मंत्री ने अपने सदन में कही हुई बात से मुकर गई और चली गई सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ में। वहां पे एन केन प्रकारेण करके हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं गलतफहमी का दौर पैदा करते हुए हम बिहार के तमाम शिक्षकों को धोखा देने का कार्य किया। इसी तरीके से फिर हम कह सकते हैं कि एक साजिश रची जा रही है सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो आंदोलनरत हैं, जब हम पटना में अपनी वेदना प्रदर्शन करने के लिए गांधी मैदान का मांग किए थे तो सरकार ने उसको कैंसिल करवा दिया। जब हम लोग
उससे भी पीछे हटते हुए हम लोग गर्दनी बाग में कार्यक्रम किए, उस और उसको भी कैंसिल करने का कार्यक्रम सरकार ने किया, जबरदस्ती तालाबंदी कर दिया। तो शिक्षकों का आक्रोश, जो पीड़ा और जो वेदना है, उसको प्रदर्शन करने नहीं देंगे और अपना दिखावा करेंगे मानव श्रृंखला बना करके। यानी हमको प्रताड़ित आप करते रहे और हम आपको सहयोग करते रहे, ये कतई नहीं चलने वाला है। और सरकार का देने का कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट का पूर्व का एक जजमेंट है कि आप किसी को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस जजमेंट के आलोक में सरकार के अफसर फिर से हमारे संयोजक महोदय के पास पत्र देकर के आग्रह किए हैं कि आप तमाम बिहार के शिक्षकों से अपील कीजिए और सहयोग करने का आशा अपेक्षा रखिए। हम फिर सरकार से ये मांग करते हैं कि आप धोखा देने के इरादे से ऐसा काम बार बार न करें। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक घोषणा कीजिए, 15 तारीख संक्रांति का दिन है और उस संक्रांति के दिन, शुभ दिवस के दिन आप घोषणा कीजिए कि बिहार और फिर से प्रकाश बढ़ेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और आपका भी नाम खिलेगा, आपका भी नाम बढ़ेगा, आपका जो मानव श्रृंखला का जो स्वप्न है, वो स्वप्न, उस रिकॉर्ड को हम बिहार के तमाम शिक्षक मिलकर के पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवनीत सर से थोड़ा ये जानकारी चाहेंगे कि ये 5 सितंबर में गांधी मैदान का मैदान कैंसिल कर दिया गया और फिर जो हम लोग एक प्राइवेट मैदान ठीक किए थे उसमें भी तालाबंदी कर दी गई। इस तरह से शिक्षकों के प्रति सरकार का इतना उदासीन और गलत रवैया क्यों है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, सरकार का उदासीन रवैया नियोजित शिक्षकों के प्रति हमेशा से रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण है कि सरकार के पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 6 महीना के अंदर सेवा शर्त पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 4.5 साल होने को है, एक चुनाव से दूसरा चुनाव आने को है, परंतु सेवा शर्त का प्रकाशन या निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये सरकार की चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है, सरकार के जो दोहरी नीति है उसको स्पष्ट तौर पर उजागर करता है। नियोजित शिक्षक कहीं से भी किसी भ्रम में न रहे, स्पष्ट तौर पर शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का निर्णय बिल्कुल ठोस निर्णय है। 15 तारीख तक सरकार निश्चित तौर से या घोषणा करे या फिर वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करे, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल मानव श्रृंखला का बहिष्कार सूबे बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के तरफ से बदस्तूर जारी रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।